है ना, इसको मैं मानूंगी सूरज की रोशनी। देखो जल रही है लाइट। इन्हें सोचा है दिन और रात कैसे होते हैं? कभी मम्मी पापा से पूछा है? तो मुझे ये बताइए, अभी ये सारे ग्रह, ये जो ग्रहों का मॉडल है, बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। बीच में कौन है आपका? सूरज। बीच में कौन है? सूरज। ये जो पहले नंबर पे ग्रह घूम के आया सूरज के चारों ओर, इस ग्रह का क्या नाम है? बुध है, मरकरी है। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे कौन है? वीनस। दूसरे नंबर पे वीनस, और हिंदी में क्या नाम है वीनस का? शुक्र। वेरी गुड। और तीसरे नंबर का जो ग्रह है, ये जो मैंने अलग कर दिया बाकियों से, ये कौन सा ग्रह है? अर्थ, पृथ्वी। वेरी गुड। ये आपका ग्रह है जिसपे आप रहते हैं। पर मुद्दे की बात ये नहीं है बेटा, ये तो आप लोग सीख गए, पर जो हम कहते हैं कभी दिन होता है कभी रात होता है ना समीर? बेटा आपने ये देखा होगा, अभी क्या हो रहा है, दिन है कि रात है? दिन हो रहा है। शाम होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? किसी ने सोचा है दिन और रात कैसे होते हैं? कभी मम्मी पापा से पूछा है? अच्छा बताओ। शुभ। पृथ्वी सूरज के पीछे चली जा। चलिए, इसने कहा सूरज के सामने आ जा पृथ्वी जब दिन हो, और सूरज के पीछे चली जा पृथ्वी जब रात हो। यही कही ना? अब जाते, चलो मैं करके देखती हूँ। ये पृथ्वी थी। अब ये मुझे बताना बेटा, ये जो पृथ्वी है ये तो सूरज के सामने ही सामने है, कहीं ऐसा हुआ कि ये सूरज के पीछे आई? देखो सूरज यहां से भी ऐसा ही, सूरज यहां से भी ऐसा ही, सूरज यहां से, हर तरफ से सूरज गर्मी फेंक रहा है, तो ये कैसे संभव है? ये तो हर तरफ से सामने ही सामने है। हाँ जिबली कर जा चांद तो, पर क्यों होता है ऐसा? चांद को रोशनी कौन देता है? सूरज। बहुत बढ़िया, यानी जो आपने देखा है वो कहीं ना कहीं आपने सीखा है, पर इसको आज मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे। ये क्या है? लाइट है ना, इसको मैं मानूंगी सूरज की रोशनी। देखो जल रही है लाइट, है ना, इसको मैं सूरज की रोशनी मानती हूं। और जैसे सूरज सारे ग्रहों के ऊपर, ये सारे ग्रहों के ऊपर रोशनी डालता है, ऐसे ही मैं इस टॉर्च से इन ग्रहों पर रोशनी डालती हूँ। ठीक है, और आप आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुहेल आ जाओ। हाँ भाई, सुहेल मेरा साथ देगा इसमें। सुहेल आपको सूरज बन के रोशनी डालनी है बेटा, डालो। अभी ये जो रोशनी है, ये देखो सूरज के पास तो अपनी रोशनी है बेटा, ये तो सूरज है, सूरज के पास तो अपनी रोशनी है। सूरज किस पे रोशनी डाल रहा है? इन ग्रहों पे, है ना। अब इस सूरज के सामने जो ग्रह आ रहा है, देखो, जो अगर मेरा मुंह टॉर्च की तरफ है तभी तो मेरे मुंह पे रोशनी आ रही है। मेरे पीछे क्या है? अंधेरा। मेरे पीछे क्या है? अंधेरा। पीछे क्या है? अंधेरा। और अभी मैं घूम गई और अब मेरे कहां रोशनी पड़ेगी? पीछे। और मेरे आगे क्या है? आगे क्या है? ये हाल है पृथ्वी का। पृथ्वी, ये सूरज जब इस पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह पे सामने रोशनी डाल रहा है, ठीक है, तब तो क्या हो रहा है, दिन निकल रहा है। पर पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है, जैसे ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी घूम रही है ना, पर उसके साथ साथ बच्चों पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है। अब जब ये घूमती है पृथ्वी, तो जब ये सूरज के सामने होती है, सूरज के बिल्कुल सामने, ठीक है, जो भी हिस्सा इसका सामने होता है, अगर इसका मुंह सामने तो मुंह की तरफ दिन, जब ये घूम जाती है अब इसकी जो पीठ है वो सूरज की तरफ हो जाती है, जैसे मेरी तरफ सुहेल टॉर्च मार रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी इस वाले हिस्से में दिन और पृथ्वी के इस वाले हिस्से में क्या हो जाती है? रात। यही हाल पृथ्वी का होता है, जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें क्या हो जाती है? रात। और आगे वाले हिस्से में दिन। फिर पृथ्वी घूमती रहती है, ये ऐसे घूमती रहती है। अब पीछे वाला हिस्सा 24 घंटे में, 12 घंटे आपका दिन 12 घंटे रात, ऐसी तो रहता है ना, तो
ये जो 12 घंटे हैं, जिन 12 घंटों में सूरज की रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर, तब दिन निकलता है, और जो हिस्सा पीछे छुप जाता है तब क्या हो जाती है? रात। क्या हो जाती है? रात हो जाती है। तो ये देखिए, अभी ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, ऐसे मारो पृथ्वी, पृथ्वी पे दिखाते हैं हम सूरज की रोशनी, और हम अंधेरे वाले कमरे में इसे करेंगे तो आप और बेहतर समझेंगे, है ना। अभी सूरज पे, यहाँ पर सूरज की रोशनी पृथ्वी पे पड़ रही है, तो क्या हो रहा है? दिन निकल रहा है ना। और जब ये वाला हिस्सा इसका घूम के सामने आ जाएगा तो इस हिस्से में भी दिन निकलेगा। समझ में आई? ये सूरज जब इस पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह पे सामने रोशनी डाल रहा है, ठीक है, तब तो क्या हो रहा है? दिन निकल रहा है। पर पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है, जैसे ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी घूम रही है ना, पर उसके साथ साथ बच्चों पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है। अब जब ये घूमती है पृथ्वी, तो जब ये सूरज के सामने होती है, सूरज के बिल्कुल सामने, ठीक है, जो भी हिस्सा इसका सामने होता है, अगर इसका मुंह सामने तो मुंह की तरफ दिन, जब ये घूम जाती है, अब इसकी जो पीठ है वो सूरज की तरफ हो जाती है, जैसे मेरी तरफ सुहेल टॉर्च मार रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी इस वाले हिस्से में दिन, और पृथ्वी के इस वाले हिस्से में क्या हो जाती है? रात। यही हाल पृथ्वी का।